नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में हम देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को लेकर के बात करी गई है कि अगर मतलब यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं लाए गए तो फिर आने वाले टाइम में अदर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि G20 इसको ओवरटेक कर लेंगी। मतलब कि यूनाइटेड नेशन की इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो धीमे धीमे कम होती हुई नज़र आ रही है। अब जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबको पता है 1945 में ये सेटअप हुई थी और अभी इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब कंट्रीज़। इसका मिशन है कि ये पर्पस और प्रिंसिपल पे काम करता है ये पूरा। और मतलब हमेशा इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिस्कस होता है और फिर डिस्कस होकर के फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओवरऑल ये जो है वर्ल्ड को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। बट हम देखिए ये नहीं कह सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशन है तो ये यूएसए की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है। वेस्टर्न नेशंस को ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी में रखता है और हम लोग जैसे इंडियन जो इंडिया जो है वो ना वेस्ट में आता है ना ईस्ट में, या थोड़ा बहुत आधा थोड़ा वेस्ट में भी आता है थोड़ा ईस्ट में भी आता है। तो इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो देखने को नहीं लेकिन हाँ फ़ायदा ज़रूर मिलता है क्योंकि इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो फिर उस हिसाब से यूनाइटेड नेशन इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अब देना शुरू कर दिया है। पहले टाइम्स में ऐसा नहीं होता था। अब जान लेते हैं कि इसकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ये इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने का काम, सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हमने हमेशा सुना है कि जैसे कश्मीर वगैरह के इश्यूज़ होते हैं तो उसमें यूएन जो है चिल्लाता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के बहुत वो करता है। ओवरऑल यूनाइटेड नेशन कहीं अच्छा भी रोल प्ले करता है कहीं बुरा रोल भी प्ले करता है। ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना, मतलब कि जब COVID-19 आया था तो यूनाइटेड नेशन ने मतलब बातचीत चल रही थी कि हाँ कैसे लोगों की हेल्प करी जाए, तो ह्यूमैनिटेरियन एड यही सब है कि दवा ववा वगैरह पहुँचा देना, ये सारी हेल्प कर देना जो कंट्रीज़ मतलब बुरे हाल में है अभी। लेकिन इसमें इंडिया का रोल हमने सबसे ज़्यादा देखा था कि जब अदर नेशंस की हेल्प करने की बात आई तो वहाँ पे इंडिया ने खुद के स्टॉक्स को मतलब खुद का तो फुलफिल कर लिया बाकी दूसरों को फुलफिल भी कर रहे थे। अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज़ को खाना पहुँचाना, चावल पहुँचाना, ये सारा काम इंडिया ने काफ़ी अच्छे से किया। और मुझे लगता है कि इंडिया जो है अकेले ही इतना काम कर रहा था जितना अदर कंट्रीज़ मिल करके वेलफेयर का काम कर रही थी। तो ठीक है, बट यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इंटरनेशनल लॉ को भी अपहोल्ड करने की बात करता है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसा हम देख सकते हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब कि लगभग पूरी दुनिया ही मतलब पूरा वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं वो सब यूएन से जुड़े हुए हैं, है ना, रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब यूएन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि हाँ ये इंटरनेशनल लेवल पे है। तो जब ये यूएन कुछ बात बोलता है तो सारे 193 नेशंस की बात को मानते हैं, ओवरऑल कुछ एक्सटेंट तक मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। आप देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। ये छह काउंसिल्स मतलब कि छह ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ये छह मेन ऑर्गन्स माने जाते हैं यूएन के। ऑल द सिक्स वर स्टैब्लिश इन 1945 और ये सारे छः के छः 1945 में स्टैब्लिश हुए थे जब यूएन फाउंड हुआ था, मतलब यूएन के फॉर्मेशन के साथ ही साथ ये छः ऑर्गन भी सेटअप कर दिए गए थे। तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट में देखा है माइंड मैप की तरह से। माइंड मैप में हम देख सकते हैं कि सॉरी ये हिस्ट्री नहीं है, या इट शुड बी रेस्ट, या दिस यूएन फाउंडेशन। यूएन फाउंडेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए। इसके छह ऑर्गन्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रहे हैं, यूएन सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देख लेते हैं जनरल असेंबली में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जनरल असेंबली की बात करें तो इसमें 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं। ये एक लौती ऐसी यूएन बॉडी है जो कि यूनिवर्सली मतलब कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन जिसको मिला हुआ है, पूरी दुनिया जिसको रिकग्नाइज करती है कि हाँ ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा काम क्या होता है जनरल असेंबली का, मेन काम होता है पॉलिसी मेक करने का, मतलब पॉलिसी बनाने का सारा काम कौन करता है, जनरल असेंबली। मतलब इसके सारे स्टेट्स एक साथ बैठते हैं और कोई ना कोई पॉलिसी बनाते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, इसको ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ है पूरा, मतलब मैनेजमेंट ये देखने का काम जनरल असेंबली करती है। सिक्योरिटी काउंसिल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती है। कौन, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर स्टेट हैं जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट है और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट है, मतलब टेम्परेरी है।
परमानेंट की बात करें तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, ये 5 नेशंस आ जाते हैं। ये इकोनॉमिक में, अगर इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इन सब की इकोनॉमी भी है और इसी वजह से ये काफ़ी डेवलप्ड नेशंस माने जाते हैं। चाइना नहीं, चाइना को नहीं मानते हम डेवलप्ड नेशन, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, या कह सकते हैं सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना है 8वें समय में 2021 से 2022 के लिए, 2 साल मतलब 2021 और 2022। द यूएन सेक्रेटेरिएट की बात करें, सेक्रेटेरिएट क्या करता है, सेक्रेटरी जनरल इस चीफ, अब इसके जो हेड होते हैं, चीफ होते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं सेक्रेटेरिएट के। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं पूरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और इसका टर्म होता है 5 साल का, इनका टर्म 5 साल का होता है। 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुटेरेस बने हैं 2022 से 2026 के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। सबसे इससे पहले जब ये था तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से जाना जाता था, और इसको लीग ऑफ नेशंस ने 1920 में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन बाद में जब यूनाइटेड नेशन बना तो इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दिया गया। ट्रस्टीज ऑफ काउंसिल की बात करें तो 1945 में यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी थी उसको ट्रस्टीशिप काउंसिल में रख दिया गया। मतलब ऐसे नेशंस जो खुद से अपने आप को गवर्न नहीं करते या नहीं कर पाते उनको इस काउंसिल में डाल दिया। 1994 में ये बना दिया गया था, इसको एंड कर दिया गया 1945 में बनाया गया था और 1994 में एंड कर दिया गया था, क्योंकि जितने भी नेशन थे, हमने बताया ना, नॉन गवर्निंग, नॉन सेल्फ गवर्निंग, मतलब जो खुद से अपने आप को गवर्न नहीं करते थे, लेकिन 1994 तक ये सारे नेशन खुद को गवर्न करना शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से इसकी नीड खत्म हो गई और 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड कर दी गई। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका काम है कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसी रिव्यू करना, पॉलिसी जो बनेगी उसको चेक करेगा। हमने बताया ना कि जो जनरल असेंबली है वो क्या करेगी, वो पॉलिसी वगैरह बनाएगी, है ना। अब पॉलिसी को देखने का काम करेगा ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, EASC। पॉलिसी डायलॉग्स क्या होंगे,
रिकमेंडेशन देगा इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है तो जितनी भी इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें हैं। अब हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंट पे क्यों गया, सोशल पे क्यों गया, क्योंकि सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों को भी ये एड्रेस करने का काम करता है। इसके 54 मेंबर्स होते हैं 3 साल के टर्म के लिए, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 54 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है।